स्मार्ट लोग आ चुके हैं। टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। अजीब सवाल, कभी भी कर्म पुनर्जन्म जैसी चीजों के बारे में सोचता हूं? मैंने इन पे खूब पढ़ा है। Okay. मतलब ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, इन सब के बारे में सोचता हूं और लंबी बात कर सकता हूं इन विषयों पर, जिस पे आपका इंटरेस्ट हो, जिस लेवल तक हो। एकदम एंड के लेवल तक इंटरेस्ट है मेरा। तो पूछिए क्या बोल। मैं मानता हूं कि जिंदगी के दो कर्तव्य होते हैं, एक आपका मटेरियल कर्तव्य जो हर इंसान के लिए अलग होता है पर उसका एंड हर इंसान के लिए सेम होना चाहिए और वो है जनहित, सोसाइटी। ठीक है। दूसरा कर्तव्य है आध्यात्मिक ग्रोथ, जो आपको एक अच्छे इंसान बनने की वजह से थोड़ी सी मिलती है, भगवान को याद करने से थोड़ी ज्यादा मिलती है, और अध्यात्म की पढ़ाई और मेडिटेशन से सबसे ज्यादा मिलती है। ये मैं मानता हूं, क्योंकि अध्यात्म की इंट्रोडक्शन मेरी लाइफ में हुई थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की वजह से, जो योगानंद परमहंस की किताब है। I know. ये क्रिया योगा की फिलोसफीज है। और जिंदगी ने मुझे ये सिखाया कि अगर आप जेन्युइनली, अगर आपके काम में आप इंटेंशन डाल देते हो कि ये काम लोगों के लिए या ये काम हीलिंग के लिए, तो भगवान आपका भी ख्याल रख लेते हैं, ये मैं मानता हूं। तो मैं बस इन्हीं दो फिलोसफीज को लेकर मेरे लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं, और मेरा होप ये है कि अर्ली रिटायरमेंट लेकर मैं पूरे तरीके से सिर्फ सोशल वर्क और मेडिटेशन में घुस सकूं, इसलिए शायद मुझे पॉलिटिकल करियर नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आई नो कि वो ऑप्शन आ रहा है मेरी लाइफ में। बिजनेस के ऑप्शंस तो आते रह जाएंगे, पर एट सम पॉइंट मैं स्टेप बैक लेने वाला हूँ और सिर्फ ऊपर वाले को याद करने वाला हूँ। क्योंकि जितना मैंने किताबों से पढ़ा है, मैं ये डेफिनेटली मानता हूँ कि मोक्ष निर्वाणा जैसी चीज होती है, हम इस संसार में आते रहेंगे जब तक हमें अल्टीमेट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ना मिले तब तक। और आई वुड लव कि अगर भगवान भी ये चाहे कि ये मेरा आखिरी जन्म हो इस संसार में, और मैं पूरे फोर्स के साथ वो कोशिश करूंगा कि ये असल में मेरा आखिरी जन्म हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर कितना फोर्स है कि ये सब बना है, पर मटेरियल दुनिया में से वो फोर्स निकालकर अगर मैंने पूरा फोर्स स्पिरिचुअल दुनिया में डाल दिया, आई थिंक वो मेरे लॉन्ग टर्म में मुझे खुश रखेगा वो थॉट प्रोसेस। तो ये है मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है? इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं। एक तो जो स्पिरिचुअल जर्नी की बात आपने कही ना, क्या होता है कि हम जब बड़े होते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है जी। इसलिए छोटा बच्चा अगर बदमाशी ना करे तो अपने स्वधर्म के खिलाफ जी रहा है, इसलिए बच्चों को बदमाशी करना बहुत जरूरी है, शराब पीना बहुत जरूरी है। और जितना ज्यादा वो शरारती है उतना ज्यादा उसे पोटेंशियल है, जनरली आप ये भी मान के चल सकते हैं। फिर क्या होता है कि कई फिलोसफर्स ने, और भारत के जो पुरुषार्थ व्यवस्था है उसमें एक बड़ी गहरी बात है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य कहा गया है, उसमें 25 से 50 गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। ये बहुत बहुत लोगों ने बहुत लंबे समय तक सोच समझ के सिस्टम बनाया होगा। एक कीर्केगार्ड नाम का फिलोसोफर जर्मनी में हुआ, हीगेल से करीब 100 साल पहले, और उसकी नहीं सॉरी हीगेल के समय में हुआ। और क्योंकि हीगेल बहुत पॉपुलर था, हीगेल एक रैशनलिस्ट था जो बहुत ही ऊटपटांग बात बोलता था जिसको लोग समझ नहीं पाते थे, उसने बड़ी गहरी बात कही कि जिंदगी में फेजेस आते हैं। शुरू में आप सुखों के पीछे भागते हैं, अंधेरों के भागते हैं कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, सेक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जब आप इससे बाहर निकलते हैं आपको गिल्ट नहीं तो कम से कम ये लगता है कि इतना क्यों पागल हो गए थे इसके पीछे। धीरे धीरे आप नैतिक जीवन की ओर बढ़ते हैं, फिर नैतिक जीवन से भी ऊब होने लगते हैं, फिर आप स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ते हैं। इसी बात को एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, मेरा बेटा अभी 16-17 साल का, 16.5 साल का, उसका फेवरेट शेर है, वो बड़ा शेर आजकल सुनाता रहता है मुझे, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। तो आपके खिलौने की उम्र चली गई है, माशूका आप कह रहे हैं कि एक बार
ब्रेकअप हो ही गया आपका? एक बार नहीं, अच्छा ज्यादा बार हो गया, मल्टीपल ब्रेकअप्स। रुतबा आपके पास है ही, तो बस तक खुदा ही है। सीधी सी बात है कि अब आपके मन में वही चीज आएगी। इसी बात को स्टैंडर्ड तरीके से अब्राहम मैस्लो ने समझाया कि हमारी जिंदगी में नीड्स चेंज होती हैं, और आप एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं जो उसने कही थी कि शुरुआत में फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, भूख, नींद। अगर आपकी नींद पूरी ना हो दो दिन तो आप ध्यान की बात कभी नहीं सोचेंगे। नींद पूरी होगी, पेट भरा होगा तो आप ध्यान की बात सोच सकते हैं, पेट खाली होगा तो ध्यान बिल्कुल नहीं आएगा उस समय। फिर सेफ्टी की नीड है, आप यहाँ हैं, आसपास तीन लोग चाकू लेके खड़े हैं, ध्यान बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा, पहले सेफ्टी चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल पूरा हो जाए, सेफ्टी पूरी हो जाए, फिर प्रेम चाहिए जीवन में। प्रेम नॉट एग्जैक्टली कि अपोजिट सेक्स वाला प्रेम ही चाहिए, पेरेंट्स का भी हो सकता है, दोस्तों का भी हो सकता है, उसकी भी नीड रहती है। इसलिए आप देखेंगे लोग अपने 20 से 30 की उम्र में करियर ओरिएंटेड इतने ज्यादा होते हैं कि दोस्तों को भूल जाते हैं, क्योंकि उस सेफ्टी की नीड पे फोकस होते हैं, और सेफ होते ही दोस्तों को याद करते हैं वापस कि यार कहाँ हो, फिर बैठते हैं, क्योंकि अब उनको प्रेम चाहिए, मित्रता चाहिए। प्रेम के बाद होता है एस्टीम, इज्जत, रुतबा, जो आपको बहुत जल्दी मिल गया, कई लोगों को ताउम्र नहीं मिल पाता है, किसी को लेट मिलता है। जब इज्जत भी मिल गई, प्रेम भी मिल गया, सेफ्टी भी है, पेट भरा हुआ है, तो जो नीड पैदा होती है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, जिसको गीता की भाषा में कहे स्वधर्म, कि मैं किस चीज के लिए पैदा हुआ हूं, अब वो काम करना है। और ये आमतौर पर सोशल टच इसमें आता है, जैसे वन प्लस भारतीय परंपरा में कि 50 तक कमा लो, परिवार सेट कर लो, 50 के बाद सोचोगे भाई अब 20-25 साल बचे, 30 साल बचे, कितना अपने लिए करोगे, जिस समाज से लिए उसको लौटाओ। वन प्लस का मतलब है परिवार में रहते हुए तटस्थ होने की प्रक्रिया, डिटैच होने की प्रक्रिया, कि मैं हूं संसार में, परिवार में हूं, रिश्ते निभाऊंगा, लेकिन अब मेरा ज्यादा ऊर्जा और समय समाज को खर्च होगा, समाज के लिए खर्च होगा। इसी को अब्राहम मैस्लो क्या बोल रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो नेसेसरली समाज नहीं है, कोई अगर पेंटिंग करने का बहुत शौक लेके पैदा हुआ वो पेंटिंग करे, इस बात से मुक्त हो गया कि पैसा आएगा या नहीं। थ्री इडियट्स फिल्म में जो थीम थी कि भाई अपना हुनर है ना उसके पीछे दौड़, सफलता आ जाएगी अपने आप। संगीत की साधना करो, एकेडमिक्स में जाना पढ़ो, नॉवल लिखो, डायरी लिखो, कुछ करो। अब्राहम मैस्लो ने बाद में फिर से रिवाइज किया अपने सिस्टम को और कहा कि एक और नीड है, किसी किसी को छठी नीड होती है जो आपके साथ हो रहा है, वो है सेल्फ ट्रांसेंडेंस। सेल्फ ट्रांसेंडेंस का मतलब है अपने आप से मुक्त होना, अपने से परे जाना, जिसको हम अध्यात्म कह देते हैं। और अध्यात्म का बहुत ध्यान रखना है, स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म एक बात नहीं है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। स्पिरिचुअलिज्म शब्द वेस्ट का है, स्पिरिट से आ रहा है, और स्पिरिट क्या है, क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी है, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द स्पिरिट, होली स्पिरिट। गॉड द फादर गॉड है, गॉड द सन जीसस हैं, और होली स्पिरिट वो चेतना है जैसी चेतना हर ह्यूमन बीइंग को लेके आनी है। स्पिरिचुअलिज्म का बेसिक मतलब है अपने स्पिरिट को होली स्पिरिट से कनेक्ट करना। सो दैट इज बेसिकली रिलीजियस बिलीफ इन क्रिश्चियनिटी। अध्यात्म वो नहीं है, ये अधि आत्म है। आत्म का मतलब एक सेंस में होता है मैं, एक सेंस में आत्मा होता है, अधि मतलब उससे बड़ा, मैं से बड़े स्तर पर जाने की यात्रा है। वो यात्रा समाज से भी हो सकती है कि मैं सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचूंगा, समाज के बारे में सोचूंगा, देश के बारे में सोचूंगा, दैट इज एज गुड एज अध्यात्म। लेकिन उसी में अगला स्तर आता है कि मैं इस पूरी प्रकृति के साथ एक क्यों ना हो जाऊं, और पूरी प्रकृति ही क्यों, उसके बियॉन्ड भी एक क्यों ना हो जाऊं। इसलिए आप देखेंगे जो दुनिया भर के स्पिरिचुअल लोग हैं ना, जो मिस्टिक्स हैं, मिस्टिसिज्म में रहते हैं, उनमें से कुछ को जब वो उस लेवल पे जाते हैं उनको दुनिया के कण कण में ईश्वर दिखता है, कुछ को दुनिया निरर्थक दिखती है, उनको लगता है कि मेरे अंदर ईश्वर है, दुनिया में नहीं है। कबीर दास ने एक दोहा लिखा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कि ईश्वर और उनका जब तादात्म्य हुआ, जैसा वो कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो भाई, मैं तो तेरे अंदर हूं, ना देवल में हूं, देवालय में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना काबा, ना कैलाश, कहीं नहीं हूं।
पर किसी किसी को दुनिया का कण कण लगता है कि हर जगह ईश्वर है, तब वो क्या बोलता है, वही कबीर क्या बोल रहे हैं, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, दुनिया के कण कण में लाली मां दिख रही है ईश्वर की। तो इंट्रोवर्टिव एक्सट्रोवर्टिव आप किस मिस्टिसिज्म में जाएंगे संयोग की बात है, लेकिन एक लेवल के बाद जो लोग ईश्वर को मानते हैं गहराई से, उनको ये नीड महसूस होती है कि अब मैं उसके साथ कनेक्ट कैसे हूं। दिस इज ए काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म जो आप शिद्दत से महसूस करते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं गॉड को लेके वैसा फील नहीं कर पाता हूं, मेरे अंदर ऐसी फीलिंग बहुत ज्यादा है। मैं एग्नोस्टिक हूं, मैं ये मानता हूं कि ये दुनिया गॉड ने बनाई है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अपने आप बनी हो, इवोल्यूशन के प्रोसेस में बनी हो। मुझे ये जरूर लगता है कि ज्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई फोर्स है इस सब के पीछे, पर वो फोर्स वैसी एकदम नहीं है जैसा धर्मों के लोग मानते हैं, वैसा होने का स्कोप ही नहीं है। क्योंकि सारे धर्म जब पैदा हुए, जनरली आप देखेंगे 6th century BC में लगभग अधिकांश धर्म पैदा हुए, चाहे हम बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म है पुराना लेकिन महावीर उस समय पैदा हुए, कन्फ्यूशनिज्म 6th century BC में हुआ, ताओइज्म उसी समय क्या चाइना में, क्रिश्चियनिटी लगभग उसके 600 साल बाद हुई, जूडाइज्म थोड़ा सा पहले से है 6th century BC के आसपास, कुछ कुछ दिख रहा है उसमें, इस्लाम एज एन ऑर्गेनाइज रिलीजन काफी देर में हुआ, हालांकि वो मानते हैं कि एडम के समय से उनका धर्म चलता है। धर्मों का विकास ह्यूमन बीइंग का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जब हम पहली बार सोचने लगे, हम तो मतलब कई अरब साल का प्रोसेस है एवोल्यूशन का, लगभग 1400 करोड़ साल के आसपास का प्रोसेस है, जिसमें पहली बार सोचने वाली स्पीशीज जो बनी हमारी, सोचने का प्रोसेस 70,000 साल पहले शुरू हुआ है, सिर्फ 70,000 साल से हम सोच रहे हैं, उसके पहले सोचने की क्षमता नहीं थी, ब्रेन ऐसा नहीं था। पिछले 2500 साल से फिलॉसफी चल रही है, यानी सोचने के भी शुरुआती 67,500 साल में फिलॉसफी नहीं है। जब पेट भरने लगा, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन हुआ, खेती होने लगी, सेटलमेंट्स होने लगी, तो कई लोगों को पहली बार भरपूर सोचने का मौका मिला। तब उन्होंने सोचा कि ये सब कैसे बना होगा, इमेजिन किया कि ईश्वर ने बनाया होगा, लंबे समय के बाद इमेजिन किया। इंटरेस्टिंग है कि भारतीय परंपरा में विष्णु के 10 अवतारों में पहला मत्स्य अवतार है, मछली का पानी के अंदर। इवोल्यूशनिज्म कह रहे कि पानी से ही शुरुआत हुई। पश्चिम में 6th century BC में पहला फिलोसोफर पैदा हुआ है, थेल्स नाम का, थेलीज बोलते हैं उसको कुछ लोग। वो क्या बोल रहा है कि दुनिया पानी से बनी है, ह्यूलिज्म बोलते हैं कि दुनिया पानी से बनी है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि सारी फिलोसफीज बहुत ज्यादा प्रभावित हैं इस संसार के अनुभवों से, जबकि सच ये है कि पूरे यूनिवर्स में, अगर मैं इस पूरी दीवार को यूनिवर्स मान लूं, तो जो हमारा पृथ्वी जो हमारी है ना, वो क्या मैं कहूं, एक मच्छर को भी 100 से डिवाइड कर देंगे उतना हिस्सा बनेगा, 1000 से डिवाइड कर, हाँ, इतनी छोटी पृथ्वी के कुछ 1000 साल के अनुभवों से हमने थियरीज बना ली हैं बड़ी बड़ी, भगवान अल्लाह गॉड। और आप देखेंगे बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में ये माना गया कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई, एडम के लिए बनाई, और बाइबल ये मानती है कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चक्कर काट रहा है। अब साबित हो गया, कोपरनिकस ने साबित कर दिया कि नहीं, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर काट रही है। तो जिन जमीनों पर सारे धर्म खड़े हुए हैं, वो जमीनें बहुत कमजोर हैं, भुरभुरी हैं, क्योंकि वो केवल ह्यूमन बींग्स के एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए गए। और इस ब्रह्मांड में हमारी दुनिया मतलब एक मच्छर का भी 100वां हिस्सा 1000वां हिस्सा है, क्या पता कितनी कितनी गैलेक्सीज में कितनी दुनियाएं चल रही हो, कुछ हमसे आगे कुछ हमसे पीछे, कुछ हो सकता है कि अभी वो बंदरों के जमाने में चल रहे हो, कुछ हो सकता है कि हमसे 1000, 2000, 10 लाख साल आगे निकल गए हों। इन दुनियाओं में आपस में इंटरेक्शन भी अब तक नहीं हो रहा, हम उनको एलियन कहते हैं, वो हमको एलियन कहते होंगे। तो अभी तो विज्ञान ने दुनिया का डेसिमल में भी कुछ नहीं समझा है, अभी से हम ये इंटरप्रेट कर दें कि एक भगवान है जिसने ऐसा ऐसा किया,
पॉसिबिलिटी है. एग्नोस्टिक होने का मतलब है कि आई एक्सेप्ट देयर स्टैंड्स ए पॉसिबिलिटी ऑफ गॉड एग्जिस्टिंग. पर हमारे दुनिया के धर्मों में, दर्शनों में गॉड की जो व्याख्या है बहुत ही बेसिक लेवल की है. पृथ्वी को केंद्र में रख के व्याख्याएं की गई, अपने देश को ध्यान में रख के, अपने समाज को ध्यान में रख के बनाई गई व्याख्याएं. मेरे ख्याल से अल्टीमेट रियलिटी जब भी हमारे सामने आएगी, मतलब हमारी जिंदगी में तो शायद नहीं आएगी, शायद 10-20 हजार साल तक भी ना आए, शायद 1 लाख साल के बाद सामने आए, वो वैसी नहीं होगी जैसी हम सोचते हैं, उससे काफी अलग होगी. तो हम यहाँ क्यों हैं? मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है, और मेरा आंसर यही है कि मुझे भी नहीं पता कि हम यहाँ क्यों हैं. तो लेट अस सेलिब्रेट एंड एंजॉय दैट वी डू नॉट नो कि हम यहाँ क्यों हैं. इसी सवाल को लेकर मैंने अध्यात्म की पढ़ाई की है. नहीं, वो ठीक है, ये बेसिक सवाल है कि हम यहाँ क्यों हैं, पर इसमें एक प्रेमाइस है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि दुनिया में हर चीज किसी कारण से ही होती है. हम इस प्रेमाइस को क्यों माने? क्योंकि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कारणता संबंध, की हर चीज कारण से ही होती है, ये अपने आप में इंडक्टिव है. इंडक्टिव का मतलब है एक्सपीरियंस के बेस पे हमने निकाल लिया है. ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि हम ऑन्टोलॉजिकल लेवल पर, मेटाफिजिकल लेवल पर ये साबित कर सकें कि कॉजेशन या हर चीज का कारण होता है, ये हमारे मानव संसार के बियॉन्ड भी अप्लाई होने वाला है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है. क्वांटम फिजिक्स में आजकल हम देखते हैं कि कुछ चीजें हैं जहां कॉजेशन का प्रिंसिपल हिल रहा है. ये तो इंटरेस्टिंग है. अभी देखिए, इस साल जो नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स वाला, क्वांटम फिजिक्स के लिए मिला है, उन लोगों ने क्या साबित किया? आइंस्टीन ने जो साबित किया उसके रिवर्स साबित किया. आइंस्टीन ने ये साबित किया था कि जो प्रकाश हम देखते हैं वो सिर्फ वेव नहीं है, इट कैन ऑल्सो बी पार्टिकल, जिसको उन्होंने फोटोन कहा. आइंस्टीन के समय में एक एक्सपेरिमेंट हुआ और आइंस्टीन हिल गए, पर उन्होंने उसको खारिज कर दिया. उसने कहा कि नो, गॉड डजंट थ्रो डाइसेस, डाइस मतलब वो पासे नहीं खेलता है, सिस्टम से काम करता है. दो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जो उन्होंने खारिज किया आइंस्टीन ने, और अब नोबेल प्राइज मिला है उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को रिवाइज करने वालों को. वो एक्सपेरिमेंट्स क्या कह रहे हैं? एक थियरी क्वांटम फिजिक्स में आई है, डबल एंटेंगलमेंट, जिसको आइंस्टीन ने खारिज किया था, जो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि यहां मान लीजिए ये एक पार्टिकल इस माइक का है. क्वांटम का मतलब सब एटोमिक, न्यूट्रॉन, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन, उस लेवल की जो स्टडीज हैं. हो सकता है कि ये पार्टिकल एंटेंगल्ड हो किसी और गैलेक्सी के किसी पार्टिकल के साथ, और एंटेंगल का मतलब है कि अगर ये हल्का सा मूव करेगा तो वो ठीक उसी समय रिवर्स मूव करेगा. जी, आइंस्टीन का मानना था कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ नहीं हो सकता, जो कि 300,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है. इसमें क्या हो रहा है कि यहां कुछ मूवमेंट हुआ, वहां मूवमेंट हुआ, और इसके बीच का गैप 50 करोड़ लाइट ईयर भी हो सकता है, और तब भी दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं. अगर ऐसा कनेक्शन है तो इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड वाली बात खत्म हो गई. मतलब लाइट से भी कुछ या तो ज्यादा तेज है, या उसकी स्पीड हम सोच ही नहीं सकते कितनी तेज है. मन की स्पीड से ज्यादा है, और मन को तो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं मानते हम उस सेंस में. फिर वो जो प्रकाश की किरण है, जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज किया गया तो देखा गया कि वो बिहेव करती है अलग अलग, जब उसको देखा जाए और जब ना देखा जाए. अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, दो बार से बांटते हैं, तो देख रहे हैं तो शायद उसका बिहेवियर हो जाता है पार्टिकल वाला, नहीं देखते तो वेव वाला हो जाता है, और जैसे ही उसको ऑब्जर्व करने का इंस्ट्रूमेंट लगता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है. इसका मतलब जिसको आप भौतिक मान रहे हैं वो इतना भौतिक भी नहीं है. यानी कि ऑब्जर्व किए जाने से, भाई हमें कोई ऑब्जर्व करता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, ये तो समझ में आता है. लेकिन लाइट के पार्टिकल्स का बिहेवियर अगर चेंज होता है देखे जाने से, इसका मतलब भौतिक और चेतन, मैटर और कॉन्शियसनेस का जो डाइकोटमी हम मानते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, शायद वो भी नहीं है. और अगर परसीवर के देखने से रियलिटी चेंज हो रही है तो शायद शंकराचार्य ठीक कह रहे थे. और जो श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट हुए, जो आइंस्टीन के खिलाफ क्वांटम फिजिक्स में खड़े हुए थे, उन्होंने भारतीय दर्शन का तत्वमसी सिद्धांत जो उपनिषद का, उसको फॉलो किया, उस पर लिखा बहुत ज्यादा. क्वांटम फिजिक्स में उनसे बड़े विद्वान दुनिया में नहीं हुए.
इसलिए इतने रहस्य हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारे जीते जी कोई अंतिम फैसला हो पाएगा, लेकिन जब भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शंकराचार्य ने क्या कहा था? शंकराचार्य कह रहे हैं कि सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि रियलिटी के तीन लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे का लेवल प्रतिभास है, जब आप नींद में हैं सपना देख रहे हैं वो प्रतिभास है। आप सपने में हैं तो आपको सपना एकदम रियल लग रहा है, सपने में शेर आ गया, आप डर भी रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, भाग भी रहे हैं, हांफ भी रहे हैं, गिर भी रहे हैं, चोट भी लग रही है, खून भी बह रहा है, सब कुछ हो रहा है और आप एकदम उस मोमेंट को जी रहे हैं। अचानक नींद खुल गई और नींद खुलते समझ में आया कि अरे सब झूठ था, ये व्यवहार की दुनिया है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। अब शंकर कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग बात है कि इसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है। जैसे सपने से निकलते ही समझ में आता है कि सपने में सब झूठ था, वो चेतना से क्रिएट हो रहा था, रियल नहीं था। सपने का शेर, सपने की मेज फिजिकल लग रही थी, पर सपने से निकलते समझ में आया कि वो तो कॉन्शियसनेस ने मेज बनाई थी। वो लकड़ी की कहां थी? लकड़ी की समझ में आ रही थी पर लकड़ी की नहीं थी, वो तो विचार से बनी हुई थी। अब यहां आप बैठे, मैं बैठा, एक कुर्सी है, ये माइक है, सब फिजिकल है। हो सकता है कि एक दिन थर्ड लेवल पर हम पहुंचे जिसको शंकराचार्य पारमार्थिक स्तर बोलते हैं, प्रातिभासिक, व्यावहारिक, पारमार्थिक। और वहां पहुंचते ही समझ में कि अरे यार ये भी झूठ था। इसलिए वो बोलते हैं कि सत्य के तीन स्तर हैं और जब तक वो रेफ्यूट नहीं होता हमें सत्य लगता है। रेफ्यूट होते ही, और रेफ्यूट होने का मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाना, नेक्स्ट लेवल ब्रह्म का लेवल है और वहां जाके समझ में आता है कि जो रियलिटी हम मान रहे थे वो सिर्फ परसेप्शन था। और फिलोसफी में कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम जो परसीव करते हैं रियलिटी उतनी ही है और हमारे परसेप्शन से ही बन रही होती है। देयर इज नथिंग रियल एज सच, रियलिटी इज व्हाट वी कंस्ट्रक्ट। ये बात पश्चिम में हीगल भी कह रहा है, पश्चिम में कांट भी, कांट तो यहां तक कह रहे कि कप जो है हम जान ही नहीं सकते कैसा कप है, वी कैन ओनली परसीव, और जो हम परसीव करते हैं सब एक जैसा, दैट इज फिनोमिना, दैट इज नॉट न्यूमिना। न्यूमिना इज द अल्टीमेट रियलिटी, द कप इन इटसेल्फ इज न्यूमिना, द कप हाउ वी परसीव इज फिनोमिना। तो हमारी बहुत लिमिटेशन है, हम इस दुनिया को जितना समझने का दावा करते हैं हम ढेला भर नहीं समझते दुनिया को, और दुनिया के बियॉन्ड भगवान को समझ लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत छोटे हैं और उसको समझने का दावा करना ठीक नहीं है, समझने की कोशिश करना ठीक है, और वो कोशिश इस उम्र में सफल नहीं होगी ये मान के, और इस चीज से सुकून में रहना कि ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें क्यों बेचैन होना है। कि जिस चीज का ज्ञान हो ही नहीं सकता उसके मामले में ये सुकून काफी है कि मैंने ज्ञान की कोशिश तो की और मैंने बिना जाने किसी झूठी बात को स्वीकार तो नहीं किया। जब सारी दुनिया एक चीज को फॉलो करके पीछे दौड़ रही थी, मैं कम से कम रुक गया कि तब तक नहीं मानूंगा जब तक भरोसे के लायक जानकारी ना हो जाए, मैं कम से कम रुका तो, या जब तक मैंने खुद उस चीज का फील नहीं कर लिया, जान नहीं लिया, तब तक क्यों उसको मैं मान लूं। आज मैंने ये फील किया है कि आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग क्यों है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे, और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।